ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में चार सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। दो दिन बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां तीन प्रत्याशियों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवाड़ी को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवाड़ी मैदान में है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एसले ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ताल ठोकी है। बीजेपी ने जहां पहले ही सुभाष चंद्रा को अपने समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी सोमवार को अपने विधायकों को निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बेनीवाल के इस ऐलान के बाद से वे सियासी दिग्गजों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां उसिया विधायक दिव्या मदेरना ने बेनीवाल पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है। यही नहीं, आप प्रभारी विनय मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सुभाष चंद्रा होटल ताज अरावली के रूम सर्विस स्टाफ द्वारा परस्पर आठ कांग्रेस विधायकों के सीधे संपर्क में है। आपको बता दे, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अपने तीनों पार्टी विधायकों को निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के समर्थन में वोट डालने के निर्देश दिए हैं। हनुमान बेनीवाल के इस ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने हनुमान बेनीवाल पर अपने विधायकों को 40 करोड़ में बेचने का बड़ा आरोप लगाया। यही नहीं, आपके प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बड़ा दावा किया कि आठ कांग्रेसी विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के संपर्क में हैं। विनय मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को 30 भाजपा विधायकों का समर्थन प्राप्त है और 3 आरएलपी विधायकों का। वहीं चंद्रा जी के लोग ताज अरावली होटल में रूम सर्विस स्टाफ द्वारा परस्पर 8 कांग्रेस विधायकों से सीधे संपर्क में हैं। जहां से डील हो रही है वहां खेल होने की पूरी संभावना है। आपके प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि जब किसान भाई काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, तो उन किसानों को एक चैनल पर आतंकी, देशद्रोही कहा जा रहा था। आज उसी चैनल के मालिक को हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में वोट देने का ऐलान किया। हमारे जाट भाई इसे कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें छला गया है। विनय मिश्रा ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि सुना हूं कि राजस्थान में एक पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को एक न्यूज चैनल के मालिक को राज्यसभा में अपने 3 विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ रुपए लिए हैं। आखिर कब तक चलेगा ये खरीद फरोख्त? विनय मिश्रा ने कहा कि 3 एमएलए 30 करोड़, 10 करोड़ अपना खर्च, पार्टी ने अपने कुल 3 एमएलए राज्यसभा चुनाव में बेचकर कुल 40 करोड़ रुपए झटके में उठा लिए। ये भी नहीं सोचा कि किसान भाइयों पर क्या गुजर रही होगी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए विनय मिश्रा ने लिखा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हारे वोट को 40 करोड़ में बेच दूंगा। नेताजी हनुमान बेनीवाल, आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए विनय मिश्रा ने कहा कि 3 विधायक बेचकर इतना पैसा, सोचिए राजस्थान की जनता गलती से अगर 30 दे देती तो आज ये पूरा राजस्थान ही बेच देते। शेम शेम, किसानों को आतंकी कहने वालों को समर्थन देंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं विनय मिश्रा ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने चौकीदार होने का फर्ज निभा ही दिया। वैसे एक बात मुझे पता है कि जाट समाज न किसी का चौकीदार हुआ है और न ही होगा। हनुमान बेनीवाल जी की बात अलग है, वो तो एक दिन अपनी पार्टी का विलय ही भाजपा में कर देंगे। मिश्रा ने आगे लिखा कि एक हनुमान ने भगवान राम के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, दूसरा हनुमान भगवान राम जैसी राजस्थान की जनता के वोट को 40 करोड़ में बेच दिया। हे राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता एक ओसिया विधायक दिव्या मदेरना ने भी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।